तुला नाही गुरुमधला आज आपला दुसरा दिवस आणि आज आलो आहेत आम्ही हल्दीघाटी बघायला. तर हल्दीघाटी दाखवते हे बघा, हे माझ्या मागे आहे ते आहे हल्दीघाटी. काय आज आपण आलेलो आहे हल्दीघाटीच्या म्युझियमला. हल्दीघाटी म्युझियम मध्ये एंट्री केलेली आहे. एंट्री केल्यावर हल्दीघाटी म्युझियम अशा प्रकारे दिसतं. खरंच खूप छान असं हल्दीघाटी म्युझियम आहे. तर तुम्हाला हल्दीघाटी म्युझियम कसं आहे आणि संपूर्ण हिस्ट्री या म्युझियममध्ये सांगितलेली आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ. इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए. जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तराई का रूप ले लिया. इतिहासकारों ने इस तराई को रक्त तराई का नाम दिया. इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार जिसमें राजा राम शाह कंवर और उनके दोनों पुत्र थे शहीद हो गया. यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं. इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी. आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. चारों तरफ हाहाकार मच
उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राज मुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर इन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझ कर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया
और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में तीन मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अलाउद्दीन हरीम जी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी गुनगुमरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इसका आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को सहयोग प्रदान किया, देखते हुए आगे आना है। गुलकंद शरबत तैयार करते हैं। 10,000 गुलाब के फूल 20 लीटर पानी मिलाकर फूलों को पानी के साथ में उबाला जाता है। जो स्टीम बनता है वो गुलाब जल। आंखों में डालने मिठाई मेकअप पूजा में गुलाब जल काम में लेते हैं। गुलकंद बनाया जाता है जो गैस कब्ज एसिडिटी पेट की ठंडक के लिए गुलकंद बनाया जाता है। गुलाब की पत्ती से गुलाब का इथे ते सांगत होते की हल्दीघाटीच्या आजूबाजूचा जो परिसर आहे तिथे बघितलं तर फार मोठ्या प्रमाणात गुलाबाची शेती केली जाते, त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे सरबत तुम्हाला इथे विकायला मिळतील। आणि आम्ही बरेच सरबत वगैरे बघितलं तर इथनं घेतले, खूपच छान आणि कमी दरात चांगल्याशा सरबत आणि इतर पदार्थ इथे विकायला होते।